सच है तो दिखेगा। नमस्कार, मैं आरती सिंह, आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत और वक्त हो चला है खबर खास का। और खबर खास में हम बात करेंगे लॉकडाउन 5 और अनलॉक 1 की। जी हां, झारखंड में अनलॉक 1 को लेकर बड़ी घोषणा की गई है। लॉकडाउन 5 के दौरान कई क्षेत्रों में छूट के निर्णय को लेकर राज्य सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। सोमवार को सरकार ने रेस्टोरेंट खोलने, वाहनों के शोरूम खोलने, तमाम बाजार की दुकानें खोलने, एक जिले से दूसरे जिले में ट्रांसपोर्टिंग का फैसला लिया गया है। मोबाइल, घड़ी, इलेक्ट्रॉनिक्स सामग्री की दुकानें खुलेंगी, निजी कंपनियों के कॉल सेंटर खुलेंगे, आईटी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की दुकानें खुलेंगी, इलेक्ट्रिक दुकानें खुलेंगी, ऑटोमोबाइल साइकिल ऑटो उपकरणों की दुकानें खुलेंगी, जेवर दुकान, क्रॉकरी दुकान, फर्नीचर की दुकानें खुलेंगी, रेस्टोरेंट होम डिलीवरी कर सकेंगे, रिक्शा, टेम्पो, ई रिक्शा, ऑटो रिक्शा के चालन की भी घोषणा की गई है। अनलॉक 1 के तहत हेमंत सरकार ने झारखंड में भी कई छूट का ऐलान कर दिया है और इसके तहत कंटेनमेंट जोन के बाहर के इलाकों में गृह मंत्रालय द्वारा निर्देशित सभी तरह की गतिविधियां होंगी, लेकिन धार्मिक स्थलों को अब भी बंद रखने का फैसला लिया गया है। मोबाइल, घड़ी, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर की दुकानें खुलेंगी। प्रक्रिया धीरे धीरे प्रारंभ हुई है, वैसे पहले से ही हम लोग इस काम में आगे बढ़े हुए थे। अपनी केंद्र सरकार ने आज राज्यों को, देशों को भगवान भरोसे छोड़ दिया है। अब राज्य सरकार के जिम्मे में सारी चीज़ें डाल दी गई है। अब राज्य सरकार की स्थिति आने वाला समय में पता चलेगा कि क्या होगा। निर्णय के अनुरूप वो गतिविधियां नहीं होंगी, तो इस लॉकडाउन को जो खोला जा रहा है उस पर पुनर्विचार भी किया जा सकता है। अभी बहुत बड़े पैमाने पर नहीं, लेकिन एक स्लोली प्रोसेस पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि लगातार कभी 60, कभी 70, कभी 40, कभी 42 संक्रमित लोग मिल रहे हैं। अगर वो लोग फिर बाजार में घूमने लग गए फिर स्थिति क्या होगी, इन सब को ध्यान में रखकर थोड़ा लॉकडाउन को खोलने की गति हमारी धीमी है। मंदिर, मस्जिद, जितने भी धार्मिक स्थल हैं वो तो बिल्कुल ही नहीं खुलेंगे और मुझे लगता है कि फाइनल लॉकडाउन निर्णय होने के बाद ही धार्मिक स्थलों पर हम लोग निर्णय लेंगे। तो लॉकडाउन का पांचवा चरण और अनलॉक 1, जी हाँ, धीरे धीरे चीजों को पटरी पर लाने की कोशिश। और झारखंड में जो निर्देश जारी किए गए हैं, जो रियायतें दी गई हैं, जो छूट दी गई हैं, उस पर चर्चा के लिए हमारे साथ सहयोगी अंजनी बने हुए हैं रांची से और जमशेदपुर से प्रभात जुड़े हैं। पहले अंजनी के पास चलते हैं। अंजनी, देखिए, केंद्र सरकार ने जिस तरह से रियायतों का ऐलान किया वो कमोबेश उसी तरह की तमाम रियायतें सरकार ने यहां पर भी लागू की। हालांकि एक जो डिफरेंस है वो ये है कि यहां पर धार्मिक स्थलों को खोलने की फिलहाल इजाजत नहीं है, फिलहाल यहां पर धार्मिक स्थलों को नहीं खोला जाएगा, लेकिन बाकी जो रियायतें दी गई हैं उससे एक बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है, अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिश में एक बड़ा कदम है। हाँ, देखिए, कल जिस तरह से राज्य सरकार की तरफ से जो घोषणाएं की गई हैं उससे ऐसा लगता है कि सरकार जो है ये भी चाहती है कि पूरे झारखंड का जो माहौल है वो थोड़ा सा बदले और राज्य सरकार को जो है राजस्व की प्राप्ति हो, तो ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। लेकिन इन तमाम चीज़ के बीच में ये भी याद रखना है कि किस तरह से
सामाजिक दूरी को बनाए रखना है, मास्क पहनना है और बेवजह का बाजारों में घूमना नहीं है। भले ऑटो के परिचालन का परमिशन दिया गया है, ई रिक्शा के लिए परमिशन जरूर दिया गया है, तो आप समझिए जिस तरह से रांची में लॉकडाउन के पहले की हम बात करेंगे तो जो ऑटो रिक्शा है जो डीजल और पेट्रोल से चलते हैं उसमें हमेशा जो है ओवरलोडिंग पैसेंजर्स लेकर तमाम लोग चलते थे, लेकिन अब नियम बदल गए हैं, परिवेश बदल गया है, तो तमाम लोगों को जो राज्य सरकार ने जो छूट दी है, जो राहत दी है, उसमें तमाम चीज़ों का अनुपालन करना अनिवार्य है। यही वजह है कि कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी कहा कि देखिए जिस तरह से राज्य में संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है, पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ रही है, उससे खतरा कम नहीं हुआ है, तो तमाम चीज़ों पर पैनी नज़र है और यही वजह है कि सरकार ने बहुत फूक फूक कर कदम रखना चाहती है ताकि परेशानी नहीं बढ़े, क्योंकि अचानक कहीं ना कहीं से भी संक्रमित व्यक्ति का रिपोर्ट आ रहा है, जैसे कल देखिए केतारी बगान से आ गया, उसके दो दिन पहले एचईसी इलाके से आ गया और कभी 45 आ जाते हैं, कभी 72 आ जाते हैं, तो तमाम चीज़ों को लेकर सरकार गंभीर जरूर है, लेकिन सरकार ये भी चाहती है कि बाजार में जो है पैसे का फ्लो हो, बाजार में थोड़ी रौनक लौटे, लेकिन इन तमाम चीज़ के पीछे जो है सबों का सहयोग चाहिए, तभी इन चीज़ों को ज़मीनी धरातल पे उतारा जा सकता है और जो नियमों का पालन करना तमाम लोगों के लिए एक आवश्यक चीज़ है। तो अब देखना ये होगा कि जैसे जैसे अभी तो सुबह का वक्त है, जैसे जैसे आगे समय बढ़ेगा और गतिविधियां जब बढ़ेंगी तब ये ज़रूर दिखाई देगा कि रांची के जो लोग हैं वो कितने समझदार हैं, कितनी मतलब चीज़ों को समझ रहे हैं, इनकी गंभीरता को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, ये थोड़ी देर के बाद ज़रूर पता चलेगा। देखिए रांची में जो है आरती लगभग 22 से 25 हज़ार ऑटो का परिचालन होता था, यदि उसमें आप देखेंगे तो कम से कम 2200 के करीब जो है जिन्हें परमिट लीगल परमिट मिला है, तो रांची में अवैध रूप से ऑटो का परिचालन काफ़ी होता रहा है और महात्मा गांधी मार्ग में जो ई रिक्शा का परिचालन होता है लगभग 2500 से 5000 के करीब है और उसमें मात्र 916 ई रिक्शे वाले को रूट परमिट मिला है, तो यदि तमाम ई रिक्शा या 22000 ऑटो चलने लगेंगे तो तमाम जो चीज़ों की धज्जियां जरूर उड़ेंगी, तो ऐसे में आज जो ट्रैफिक पुलिस की ड्यूटी जो है वो बढ़ जाएगी और ये भी देखना होगा कि ऑटो वाले कहीं नियमों का उल्लंघन तो नहीं कर रहे हैं। दी गई है तो उसे इस्तेमाल कैसे करना है और कैसे एहतियात बरतना है इसका भी ख्याल रखना होगा। प्रशासन तो सख्ती से निपटेगी ही, साथ ही साथ अब पब्लिक को भी इसके लिए सपोर्ट करना होगा। हमारे साथ प्रभात भी जुड़े हैं, अभिषेक भी जुड़े हैं धनबाद से। प्रभात, देखिए जमशेदपुर में मामले बहुत सामने आए, लेकिन अगर अब संक्रमण को छोड़कर हम इन छूट के बारे में बात करें कि अनलॉक वन एज इट इज तो ना कहें लेकिन बहुत सिमिलर है जो केंद्र सरकार ने गाइडलाइंस के साथ लागू किए हैं, काफी हद तक राज्य सरकार ने भी उसे इंप्लीमेंट किया है, लेकिन यहां पर धार्मिक स्थल नहीं खुलेंगे। सरकार ये चाहती है कि संक्रमण का खतरा कम से कम हो, क्योंकि पिछले अगर 15-20 दिनों की अगर आप बात करें तो यहाँ पर बहुत ज्यादा तादाद में संक्रमितों की संख्या सामने आई है, तो कुछ जो बंदिशें हैं वो अभी भी इसलिए हैं ताकि खतरे से निपटा जा सके, साथ ही साथ व्यवस्था जो है वो भी सामान्य कराई जा सके। बिल्कुल आरती, जिस देखिए जिस तरीके से राज्य के मुख्यमंत्री ने कल जो केंद्र सरकार के द्वारा पहले निर्देश दिए गए थे, जो चीज़ों में छूट देने की बात कही गई थी, तो राज्य सरकार ने भी उसमें छूट दी है, लेकिन छूट उस लिए दी गई है कि राज्य के जो जनता है, राज्य के जो मजदूर है, जो कर्मचारी है, उनकी ज़िंदगी कहीं ना कहीं पटरी पर आ सके। लेकिन एक बात उन्होंने और भी कही है कि अगर इस जो कोविड-19 के नियम है अगर आप नहीं पालन करते तो आने वाले दिनों में पूरी तरह से लॉकडाउन जारी कर दिया जाएगा, तो लोगों को समझना होगा और समझ के ही और इस सामाजिक दूरी बनाना होगा और घरों में रहकर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये बताना होगा कि भाई आप सामाजिक दूरी बनाएं, लोगों से कम संपर्क में आए। निश्चित है जिस तरीके से जो मंदिर हो, मस्जिद हो, गिरजाघर हो या फिर होटल को नहीं खोलने की इजाज़त दी है,
कहीं ना कहीं वो सेक्टर में ये सोच के नहीं दी गई है कि ताकि जो सामाजिक दूरी है वो बना रहे, क्योंकि मंदिरों में लोग एक साथ पहुंचते हैं, मंदिर में भीड़ निश्चित होती है, वो चीज़ का ख्याल नहीं रखते हैं। लेकिन यही चीज़ के लिए, इसी चीज़ को देखते हुए मुख्यमंत्री ने किया है कि जिस तरीके से COVID-19 का जो मरीज है झारखंड में बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इनफैक्ट जमशेदपुर में उससे ज़्यादा तेजी से बढ़ रहा है, हर दिन केस 10 से ऊपर आ रहे हैं, जो प्रवासी मजदूर उन्हीं के द्वारा फैल रहा है। लेकिन जिस तरीके से और सब जो चीज़ें में रियायतें दी गई हैं, चाहे ऑटो रिक्शा की बात करें या रिक्शा की बात करें या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान की बात करें या घड़ी चश्मा की दुकान के बारे, तो कहीं ना कहीं उनको रोजगार तो जरूर मिलेगा। रोजगार मिलने से साथ ही साथ बाजार में पैसे आएंगे तो निश्चित है झारखंड की अर्थव्यवस्था तो थोड़ी सुधरेगी। इसीलिए मुख्यमंत्री ने इन चीजों को छूट दी है। कहीं ना कहीं लोगों में थोड़ा तो खुशी जरूर होगा, जो रोजगार करने वाले लोग थे, जैसे ऑटो चालक हो गए, रिक्शा चालक हो गए या दुकानदार हो गए, कहीं ना कहीं थोड़ी मायूसी उन कपड़ा दुकान के साथ। ये नहीं भूलना है कि हमें एहतियात पहले से ज्यादा बरतना है। अभिषेक है हमारे साथ धनबाद से। अभिषेक, देखिए छूट तो मिली है, बहुत ज्यादा छूट अब मिल गई है। अगर कुछ बड़ी चीजों को हम छोड़ दें तो तमाम जो छोटे छोटे कारोबारी हैं उनको अब इस गाइडलाइंस, ये जो नया जारी किया गया है निर्देश, उसके बाद उन्हें बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। लेकिन ये राहत कहीं आफत ना बने, इसका भी ख्याल रखना होगा। जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा भी था कि देश खुल गया है, लेकिन सतर्कता बढ़ानी होगी क्योंकि चुनौतियां ज्यादा बढ़ गई हैं। जी बिल्कुल सही कहा आरती कि चुनौतियां ज्यादा बढ़ गई है। और इस वक्त में कहें कि अनलॉक वन में जो केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी किए थे और जिस चीजों को पूरी इजाजत दी गई है, कमोबेश राज्य सरकार ने भी सब कुछ मान लिया है, दो चार चीजों को छोड़कर। उसमें गारमेंट्स हैं और फुटवियर है और कुछ इस तरह के तमाम चीजें हैं जो उसमें शर्तों को जो है देखा गया कि वहां पे संभावना ऐसी है कि वहां पे संक्रमण का खतरा ज्यादा हो सकता है, इसलिए शायद उस चीजों को सरकार ने प्रिविलेज नहीं दिया है। लेकिन इससे इतर जो है थोड़ा एक कोरोना अपडेट जो है वो जानकारी दे दे आपको कि धनबाद में जो तादाद है वो लगातार विस्फोटक होती जा रही है। आपको बताया आरती कि कल शाम में 10 बजे के आसपास COVID-19 के PMCH ने रिपोर्ट दिए, 3 मामले आए और उसके बाद देर रात करीब अगर कहें कि 12 बजे के बाद जो रिपोर्ट जारी किए गए हैं उसमें नए मामले 11 आए हैं। यानी धनबाद की तादाद इस वक्त में अगर कहें तो कुल 61 हो गई है और उसमें कल रात में जो 464 जो है रिपोर्ट जो जारी किए गए उसमें से 2 मामले हजारीबाग के निकले हैं और 1 गिरिडीह के निकले हैं। अब चिंता की बात क्या है वो समझिए आरती, और लोगों को भी समझना होगा और थोड़ा सा जो न्यूज 11 भारत इस वक्त में जो दर्शक देख रहे हैं उनको ये समझने की जरूरत है। अधिकांश जो इसमें से पॉजिटिव केस निकले हैं उसमें से ये वो लोग हैं जो वापस लौटने के बाद किसी भी तरह के एहतियात नहीं बरत रहे हैं। उसमें से अधिकांश को जिनको क्वारंटाइन पर रहना गया था, रहने को कहा गया था, वो क्वारंटाइन से निकल के भागे हैं। उसमें से वो परिजनों के साथ रहने लगे हैं, अपने लोगों को परिवार के बीच में रहने लगे हैं और उनके वजह से उनके परिवार के लोग जो है संक्रमण के शिकार होने लगे हैं। कुछ ऐसे हैं जो युवा जो बाहर लौटे और अपने आसपास के युवाओं के बीच में क्रिकेट खेल लिया है, किसी ने समोसा जो है पार्टी आपस में समोसा पार्टी किया है। तो ऐसे में एक तरह से कहें कि पूरे प्रशासन के लिए, समाज के लिए और अपने खुद के परिवार के लिए वो खतरा बन गया है। तो ऐसे लोग जो एक तरह से कहें कि मूर्खता कर रहे हैं और ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं समाज को खतरे में डाल रहे हैं वो एक चिंता का विषय है, क्योंकि आखिर हम कितना कंटेनमेंट जोन बनाएंगे, कितने जगह कर्फ्यू लगाएंगे। अब सोचिए कि तादाद लगातार शनिवार को जो है 13 केस आए, रविवार को जो है 20 केस आए और कल रात में देर रात में 11 केस पॉजिटिव धनबाद के लिए आए। तो सोचिए कि पिछले 3 महीने ये और ये बढ़ते आंकड़े चिंताएं भी बढ़ा रही हैं। अंजनी, देखिए ये सिर्फ धनबाद की बात नहीं है, आप झारखंड के तमाम जिलों को ले ले, अब तो पूरे जिले संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। ये आंकड़ा रोज बढ़ रहा है और रोज बढ़ता हुआ आंकड़ा ये बता रहा है कि संक्रमण अपना दायरा लगातार बढ़ा रहा है। हालांकि हमें इस बात को भी ध्यान में रखना होगा कि रिकवरी रेट भी अच्छी है, लोग स्वस्थ होकर लौट रहे हैं और शायद जो ये छूट दी गई है अनलॉक वन में, जो कुछ चीजों को छोड़ा गया है, मुख्यमंत्री ने ये ध्यान में रखा है कि उन चीजों से शायद संक्रमण का खतरा ज्यादा हो और अगर वो चीजें अभी भी बंदिशों में रहें तो शायद हम इस खतरे से बहुत हद तक निपटने में कामयाब हो सकते हैं और इसलिए ये बंदिशें हैं। हाँ देखिए आरती, अभी कई तरह के जो छूट मिलने हैं वो नहीं दिया गया है और उसके पीछे का जो लॉजिक है सरकार का वो समझना होगा, क्योंकि अब जैसे आप लीजिए मंदिर का
या जो धार्मिक जो संस्थान धार्मिक स्थल जो है, या सैलून की बात कर लें, पार्लर की बात कर लें, कपड़े की दुकान की बात कर लें, चप्पल दुकान की बात कर लें, तो अमूमन इन दुकानों में जो है ग्राहकों की भीड़ काफ़ी होती है और सरकार जो है फूक फूक कर कदम रखना चाहती है। देखिए कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ये भी कहा है कि ये जो छूट दी गई है इसकी इसका ऑब्जर्वेशन होगा, किस तरह से इसके अच्छे रिजल्ट्स आते हैं और लोग कितना नियमों का पालन करते हैं, तो इन चीजों को सरकार प्रशासन देखेगी और देखेगी कि बेहतर है रांची के लोग पूरे झारखंड के लोग इन चीजों का पालन कर रहे हैं तो अन्य चीजों पे भी जो है आगे छूट दी जा सकती है। लेकिन जिस तरह से संक्रमण का खतरा पूरे झारखंड में बढ़ा है और जो ग्रामीण इलाकों की बात करें और शहरी इलाकों की बात करें तो कहीं ना कहीं संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है। सरकार खुद भी पहले अनुमान लगा चुकी है, सरकार अनुमान लगा रही थी और सरकार को ये पता है, इसलिए एक दिन का वक्त भी लिया गया, स्टडी किया गया कि कैसे क्या किस गाइडलाइंस के साथ यहाँ पर लागू करना है। एक छोटा सा सवाल हम जमशेदपुर चलेंगे, प्रभात से लेंगे, बहुत छोटा जवाब चाहिए। प्रभात देखिए, गाइडलाइंस कल शाम में जारी हुआ तो अब यहाँ पर अनलॉक वन आज से दिखेगा कि क्या है, हालांकि कल से बहुत सारी चीजें नजर आ रही थी, लोग सड़कों पर नजर आने लगे थे, दुकानें भी कुछ खुली थी, लेकिन क्या अभी नजारा दिख रहा है जो फैसला कल लिया राज्य सरकार ने, उसके बाद कुछ चेंजेस कुछ तब्दीली शहर में नजर आ रही है? जैसे जैसे दिन चढ़ेगा तो लोग निश्चित है बाहर निकलेंगे, दुकानें खुलेंगी, जो जो दुकानें खोलने की बात कही गई है, ऑटो रिक्शा के जो स्टैंड है वहाँ ऑटो रिक्शा जरूर आएंगे। अभी रोड पे एक का दुक्का ऑटो तो नजर आ रहे हैं, लेकिन आवाजाही और दिनों से थोड़ी बढ़ गई है क्योंकि आज से बहुत सारी चीजों में छूट दी गई है। निश्चित है छूट देने का भी वजह रहा है क्योंकि सरकार को अपने अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है, लेकिन साथ ही साथ सरकार ने ये भी चेतावनी दी है कि लोगों को जो नियम है वो जरूरी है पालन करना। अभी का वक्त सबसे ज्यादा है आरती पालन करने का, क्योंकि जिस तरीके से प्रवासी मजदूर बाहर से आ रहे हैं और बहुत सारे ऐसे मजदूर हैं जो बिना प्रशासन को सूचना दिए अपने घर चले जा रहे हैं, घर जाने के बाद वो इधर उधर घूम रहे हैं, उसके चलते ये संक्रमण का दायरा और बढ़ते जा रहा है। तो अभी जो वक्त है सबसे ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि जितने भी लॉकडाउन रहे 1, 2, 3, 4 उस समय पूरी तरह से राज्य सरकार या प्रशासन ने सख्ती से पालन कराया था, लेकिन अब प्रशासन को भी सुबह से लेकर 9 बजे तक के लिए छूट दे दी गई है। प्रशासन जो पहली तरह पहले जैसा चेकिंग किया जाता था वैसा चेकिंग नहीं हो रहा, छूट तो दी गई है लेकिन खतरा भी बरकरार है और इस खतरे से निपटने के लिए आपको एहतियात भी बरतना होगा। शुक्रिया आपका प्रभात तमाम बातचीत के लिए। अभिषेक और अंजनी आप बने रहे हमारे साथ, हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आज खबर खास में हम बात कर रहे हैं कि अनलॉक वन में झारखंड सरकार ने क्या छूट दी है और किन चीजों पर से बंदिशें अभी भी नहीं हटाई गई है, उसकी वजह क्या है। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं। तो अनलॉक वन में झारखंड सरकार ने भी शर्तों के साथ छूट दी है और इन शर्तों का बखूबी पालन भी करना होगा क्योंकि जो गाइडलाइंस जारी किए गए हैं उसका प्रशासन सख्ती से पालन करवाएगा, ये कहा गया है। और कुछ चीजों पर अभी भी प्रतिबंध है और मंशा साफ है कि संक्रमण के खतरे को कैसे कम से कम किया जाए। हमारे साथ धनबाद से सहयोगी अभिषेक और रांची से अंजनी जुड़े हुए हैं, धनबाद चलते हैं। अभिषेक देखिए, आप बता रहे थे कि भले ही अनलॉक वन में कई चीजों को छूट दी गई है लेकिन देखिए रोजाना आंकड़े बढ़ रहे हैं, संक्रमितों की संख्या सामने आ रही है, कल भी जो मामले सामने आए वो ये बता रहे हैं कि खतरा टला नहीं है बल्कि खतरा पहले से ज्यादा बढ़ गया है। क्योंकि अगर आप 1 मई से पहले की तस्वीर देखें तो वो बहुत अलग थी, 1 मई के बाद से जब प्रवासियों के आने का सिलसिला शुरू हुआ उसके बाद से देखिए अब अचानक से ग्राफ कितना बढ़ गया है। तो सरकार ने एक दिन का वक्त लिया, तमाम चीजों को अध्ययन किया, क्या स्टडी हुआ पूरे मामले का कि कैसे किन चीजों को लाया जाए, किसमें छूट दी जाए। हालांकि इन सब के पीछे ये भी एक जरूर सरकार की मंशा रही होगी कि जो छोटे कारोबारी हैं उन्हें सहूलियत मिल सके, उनकी जिंदगी पटरी पर लौट सके, जो गरीब हैं जिनकी आमदनी नहीं है उनके लिए ये व्यवस्था जरूर की गई है। सरकार ने अपना आदेश जारी किया है
उसके बाद से लगातार व्यवसायियों के फोन आने लगे। ज्यादातर में खुशी थी क्योंकि छोटे छोटे जो व्यवसायी हैं, लगभग सभी दुकानें जो है उनकी खुल चुकी है। अगर हम एसी फ्रिज से बात करें के लेकर और जो ऑटो रिक्शा है, ई रिक्शा है, वो सभी खुल गए हैं, तो एक तरह से उनके लिए एक बड़ी राहत है और कमोबेश उससे काफी लोग जुड़े हुए भी है। लेकिन जिन लोगों में नाराजगी थी उसमें गारमेंट्स के, खास करके जो कपड़े के दुकानदार हैं उनमें नाराजगी थी, जो जूता चप्पल बेचते हैं उनमें नाराजगी थी। ज्यादातर का यह कहना था कि जब सोने चांदी के दुकान खुल सकते हैं तो हमारे क्यों नहीं। स्कूल कॉलेज को लेकर जो है सरकार ने स्पष्ट रूप से निर्देश दे दिया कि वो नहीं खुलेंगे। जो सैलून है, ब्यूटी पार्लर है, उस पर जो है फिलहाल कॉस्मेटिक आइटम्स है उस पर रोक लगा दे। इसका अर्थ ये हुआ कि जो इस वक्त में जरूरत नहीं है या फिर जिसके बगैर भी हम जी सकते हैं या जिसके बगैर हम काम चला सकते हैं या जहां पे संक्रमण का खतरा ज्यादा है, इस चीज को ध्यान में रखा गया है। जैसे ज्यादातर अगर आप किसी मॉल में जाते हैं तो वहां पे लोग कपड़े का ट्रायल करते हैं, तो जाहिर है कि अगर कोई व्यक्ति कपड़े का ट्रायल करके और फिर वो कपड़े को रख के चला जाएगा और फिर दूसरा कोई व्यक्ति आएगा तो संक्रमण का खतरा होगा, और इसके वजह से सरकार ने इस बात को फैसला लिया होगा कि वहां पे इस चीज को नहीं किया जाए। दूसरा है कि फुटवेयर के लिए भी सेम स्थितियां आती है, तो कुछ मामलों में सरकार को थोड़ा निर्णय को लेकर अभी देखना होगा कि आगे जैसे जैसे हालात बेहतर होंगे वो धीरे धीरे निर्णय लेगी और चीजें भी आराम से सब कुछ पटरी पर आएगी। जब ये सारी चीजें खुल गई है तो उसे भी इजाजत मिलेगी, आज नहीं तो कल मिलना ही है। लेकिन एक बड़ा सवाल यही है कि स्कूल कॉलेज या धार्मिक स्थल को लेकर जो सरकार ने दिशा निर्देश दिए हैं वो बेहद ही काबिले तारीफ है और सही भी है, क्योंकि इस वक्त में कोई भी गार्जियन नहीं चाहता कि वो बच्चों को स्कूल भेजे क्योंकि ये खतरा है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि कुछ सरकारी स्कूलें जो इस वक्त में खोल दी गई हैं वहां पे भी टीचर्स इस बात पर आपत्ति जता रहे हैं कि बच्चे तो ठीक है नहीं आएंगे लेकिन हमें क्यों यहाँ पे लाया जा रहा है, हमें यहाँ पे क्या खतरा संक्रमण का हमें नहीं है। तो अलग अलग सेक्शन से जो बात हो रही है उस सभी की चिंता एक ही है कि संक्रमण का खतरा सबके लिए एक जैसा है और सरकार जो दिशा निर्देश दे रही है उसमें इन चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखे। बिल्कुल, सरकार ने चीजों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया है और किन चीजों पर छूट दी जानी चाहिए ये इसलिए बताया है। देखिए अंजनी, बहुत ये जो एक बड़ा सवाल अभिषेक ने भी ये कहा कि स्कूल कॉलेजों को खोलने का फैसला जो राज्य सरकार के अधीन दिया गया था कि राज्य सरकार को इसके लिए अधिकृत किया गया था कि आप ये फैसला लें कि स्कूल कॉलेजेस खोलना है या नहीं। जिस तरह से धार्मिक स्थल की बात करें तो जो पश्चिम बंगाल में देखे आप, आदेश दिया गया है वहां पर खुलेंगे, लेकिन यहां पर राज्य सरकार ने दोनों चीजों पर अभी तक प्रतिबंध रखा है, चाहे वो धार्मिक स्थल हो या स्कूल हो या कॉलेजेस हो। ये साफ है कि संक्रमण कम से कम इसका खतरा हो सके, क्योंकि बच्चों को आप इकट्ठा होने से रोक नहीं सकते, कॉलेज खुलेंगे तो भीड़ होंगे ही, धार्मिक स्थलों में लोग जुटेंगे ही, तो ऐसे में राज्य सरकार ने ये बहुत सोचकर फैसला लिया है कि जो चीजें जरूरी नहीं है उसे दरकिनार किया जाए और जरूरी की चीजों को लाकर व्यवस्था को कम से कम पटरी पर लाया जाए। हाँ, देखिए राज्य सरकार ने जो फैसला लिया है यदि उस पर आप गौर करेंगे आरती, तो इसमें ये जरूर दिखाई देता है कि जो स्कूल गोइंग जो बच्चे होंगे या जो कॉलेज में पढ़ने वाले जो लोग होंगे तो वो जहाँ भी रहेंगे तो भीड़ भाड़ होगी, और अभी यदि स्कूल या कॉलेज खोल दिया जाता है तो कई ऐसे अभिभावक होंगे जो छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल में जाएंगे तो कई अभिभावक अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे, क्योंकि देखिए संक्रमण अभी टला नहीं है, और यही वजह है कि सरकार का जो फैसला है बहुत ही अच्छा फैसला है, क्योंकि यदि स्कूल कॉलेज अभी नहीं खुलेंगे तो भीड़ भाड़ नहीं होगी और जो धार्मिक स्थल है वो नहीं खुलेगी तो भीड़ भाड़ नहीं होगी, तो ये एक बड़ा फैसला जरूर है। लेकिन तमाम फैसलों के पीछे सरकार की यही मंशा है कि जो कोरोना पॉजिटिव पाए, ये एकदम साफ संदेश है कि संक्रमण से निपटने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह से तैयार है और जो व्यवस्थाएं हैं, जो हिदायतें हैं, वो उसे भी सख्ती से फॉलो करना होगा, प्रशासन इसके लिए जुटा हुआ है। शुक्रिया अभिषेक आपका और अंजनी आपका तमाम बातचीत के लिए। तो अनलॉक वन में कई छूट तो दी गई है, राज्य सरकार ने इसके लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं और उन दिशा निर्देशों के साथ ही इस छूट को इम्प्लीमेंट कराया जाएगा। कुछ चीजें अभी भी प्रतिबंधित हैं, जो गैर जरूरी हैं उन्हें उन पर अभी भी प्रतिबंध लगा हुआ है, तो छूट तो दी गई है लेकिन आप अपना ख्याल जरूर रखें, एहतियात बरतेंगे तभी आप कोरोना के संक्रमण से बचेंगे। खबर खास में इतना ही, नमस्कार।